विशाल आदित्य सिंह की साफ सफाई। भगवान में विशाल सिंह की आस्था। काच ही बस के बहंगिया। सीरियल की शूटिंग या घर की पूजा। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि हर जगह फेस्टिवल होता है, एक पर्व होता है, लेकिन बिहार के लिए पर्व नहीं है, ये महापर्व है हमारे लिए और बहुत ही अहमियत रखता है हमारे संस्कार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व पटल पर बिहार का नाम बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन जो छठ है उसके लिए इतना फेमस है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होगा। और अगर जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो और भी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक रगों में बहता हुआ रुआब है, रगों में बहता हुआ हमारा संस्कार है, और इसको मैं मतलब जब तक मैं मेरा सपना यही है कि जब तक मैं जिंदा रहूँ, इस पृथ्वी पर रहूँ, तब तक मैं छठ पूजा से जुड़ा रहूँ और जुड़ा रहूँगा। ये मैंने प्रण नहीं लिया है, ये मैं जानता हूँ कैसा होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। मतलब बचपन की यादें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है इस पर्व में। कोई सामान ला रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है, कोई उड़िया लगा रहा है, कोई घाट लूट रहा है, कोई चादर बिछा रहा है, और ये दो दिन का जो पर्व होता है, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया, मतलब बिहार को ऐसा लगता है कि ये, अगर इसको उस समय देखा जाए पूरे बिहार को किसी टॉप एंगल से, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग है। एक्टर विशाल आदित्य सिंह टीवी इंडस्ट्री का वो फेमस चेहरा है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सीरियल बेगूसराय के लखन भूषण ठाकुर हो या फिर सीरियल चंद्रकांता के वीरेंद्र प्रताप, दोनों ही कैरेक्टर के जरिए विशाल सिंह फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। और इसके अलावा विशाल कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में विशाल के लिए फैंस का प्यार वाकई काफी खास है। लेकिन आज विशाल सिंह झाड़ू लेकर ये सफाई किसी सीरियल की शूटिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि छठ पूजा के लिए कर रहे हैं। सच बताऊं, मैं दो साल रहा हूं बॉम्बे में छठ में, जब मैं घर पे नहीं आया हूं, मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, मेरा मन ही नहीं था कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन मैंने बॉम्बे का छठ देखा है। आप अपने जगह के जहाँ पे होते हैं, आप जहाँ पे आपकी पैदाइश है, जहाँ पे आपके दोस्त यार है, जहाँ पे आपके चाचा हैं, भाई हैं, बुआ है, मामा मामी ये सब हैं, वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल मनाना बहुत मज़ेदार लगता है। तो मेरे लिए बिहिया का छठ सबसे ऊपर रहेगा किसी भी फेस्टिवल में। विशाल सिंह आजकल अपने घर बिहार पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो बिहिया स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छठ पूजा के लिए साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए छठ महापर्व को लेकर विशाल के क्या इमोशंस हैं, उन्हीं से जानते हैं। अभी तक छठ का पर्व का फास्ट कभी रखा नहीं है, लेकिन मैं हर बार बिहिया इसलिए आता हूँ छठ पूजा में। मेरे घर पे छठ हो नहीं रहा है इस बार भी, लेकिन मेरा आना इसलिए लिए जरूरी होता है क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। सफाई का कार्यक्रम होता है, डेकोरेशन का कार्यक्रम होता है, और मेरे दोस्त यार सके संबंधी जितने भी हैं वो पूरे साल में एक बार बिहिया आते ही हैं, उन सबसे मुलाकात हो जाती है। और सूर्य मंदिर जो हमारा ये है, ये मतलब बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है, और बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से बनाया हुआ सूर्य मंदिर है। तो ऐसे जगह पर आके आशीर्वाद पाने का मौका बार बार नहीं मिलता है, और छठ में अगर मिल जाए मौका तो आप कभी गवाना नहीं चाहिए। परंपरा और पवित्रता को जोड़ने वाला ये महापर्व जिस तरह से बिहार के हर आंगन में मनाया जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि श्रद्धा का ये महापर्व अगले साल आपके घर में भी हो। मेरी शारदा सिन्हा ही फेवरेट है, आपको बिलीव होगा चाहे नहीं होगा, पिछले 12 साल से मैं छठ का सजावट करता हूँ। वहाँ पे रात में कभी आ जाएगा कोई गाना नहीं बजता है, सिर्फ शारदा सिन्हा का गाना बजता है। कोई ऐसा डायलॉग जो है क्या हाल, लेकिन हमें ठीक है ना। मैं मतलब ये कि देखिए छठ छठ महापर्व है, हम सब इसको मिलके बनाते हैं, और मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप सब इस पर्व को इतनी खूबसूरती, इतनी सादगी, और बिना किसी शोर शार के, बिना किसी हो हल्ला के बनाए कि पूरा इंडिया ने, पूरा वर्ल्ड जाने कि बिहार में छठ कैसे होता है, क्या होता है। बिहार के भोजपुर से संवाददाता सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट।